तो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू गेट फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। और कभी काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है कि हम ऐसा क्या करें टू गेट फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। तो देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि इस ऐप की इस जो मेथड का है, इस मेथड में आपको कुछ भी लोगों को फॉलो भी नहीं करना पड़ता है, आपका अकाउंट भी स्पॉइल नहीं होगा और फिर भी आपको बहुत से फॉलोअर्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपको ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके हमको फॉलोअर मिलेंगे, उसका नाम है गेट फॉलोअर्स ऐप। तो अगर आपने इसकी वीडियो पहले से ही देख रखी है कहीं पर, फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा जिसमें ये थोड़ा मॉडिफाइड तरीका है जिससे आपका मतलब काफ़ी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करते ही आपके पास ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो फिर आप लॉगिन विद इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे। अब आपको जिस अकाउंट में फॉलोअर्स चाहिए उसके साथ आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो जैसे मेरे को इस अकाउंट में फॉलोअर्स चाहिए तो मैं इसमें इसके ऊपर लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये थोड़ी लोडिंग होगी, वो स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ी ही देर में आपका अकाउंट जो होगा वो लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होते हैं कि आप यहाँ पर बहुत से अकाउंट लॉगिन करवा सकते हैं। तो देखिए, हम अपने अकाउंट को दरअसल स्पॉइल नहीं करवाना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम लोगों को फॉलो करें क्योंकि हमें बाद में वो अनफॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बहुत ही आपको एक अच्छा मतलब तरीका बताती है। आप क्या कीजिए, आप 3 फेक अकाउंट बनाइए और उनसे आप कॉइन कलेक्ट कीजिए, और जब फॉलोअर्स लेने की बारी आएगी तो आप अपना रियल अकाउंट सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ पर जाकर आप सीधे फॉलोअर्स ले सकते हैं। अब आपको जो फॉलोअर्स मिलेंगे वो आपके जितने कॉइन्स होते हैं उससे बिल्कुल ही आधे आपको फॉलोअर्स मिलते हैं। अगर आपके पास 50 कॉइन हैं तो आपको 25 फॉलोअर्स मिलेंगे, 100 कॉइन हैं तो 50 फॉलोअर्स मिलेंगे, और इसी तरह से अगर आपके पास 3000 कॉइन्स हैं तो आपको 1500 फॉलोअर्स मिलेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉइन्स कलेक्ट करने हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब मेरे पास 3 फेक अकाउंट है तो मैं उनसे यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। तो जैसा कि ये अकाउंट 4 अकाउंट को मतलब लॉगिन करने देती है, तो मैंने 4 अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। पहला जो अकाउंट है वो मेरा रियल अकाउंट है और ये तीनों फेक अकाउंट है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों अकाउंट से ये कॉइन्स जो होंगे मैं कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आपको इन तीनों अकाउंट से कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, और जैसे कि मैंने इससे कॉइन कलेक्ट कर लिए, अब मैं इससे कॉइन कलेक्ट करता हूँ। तो आपको अपने तीनों अकाउंट से आप कॉइन कलेक्ट करेंगे, एक घंटे में आप सिर्फ 98 ही कॉइन्स कलेक्ट कर पाएंगे। और आप जरूर यही करें, नहीं तो आपके अकाउंट बैन भी हो जाते हैं, लेकिन बैन सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास 100 कॉइन्स हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई लोग ये गलती करते हैं और मैं भी ये गलती करता हूँ। अब आपको अपने रियल अकाउंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको रियल अकाउंट सिलेक्ट करना है, और फिर आपको अपने रियल अकाउंट से किसी को नहीं फॉलो करना है, नहीं तो आपका अकाउंट स्पॉइल भी हो सकता है, मतलब ये ऐप आपका अकाउंट यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको अपना रियल अकाउंट यूज़ करना है जब फॉलोअर्स लेने की बारी आएगी। तो मेरे पास 100 कॉइन्स है, तो आप देख सकते हैं अभी मेरे पास कितने 3906 पॉइंट्स हैं, मतलब फॉलोअर्स हैं। तो चलिए मैं 100 पॉइंट्स का यूज़ करता हूँ और मेरे पास आएंगे 50 फॉलोअर्स। जैसा कि मैंने अपने रियल अकाउंट पे लॉगिन कर ही रखा है, तो ये मेरे को फॉलोअर्स देना स्टार्ट कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास 3960 फॉलोअर्स आ चुके हैं। अब मैं आपको इसमें बुरी बात यह है कि अनोइंग काम यह है कि आपको बहुत बार इस बटन पर क्लिक करना पड़ता है आपको फॉलोअर्स गेन करने के लिए। तो मैं आपको एक बड़ी सी ऐप बताता हूँ जो ये सब काम खुद करती है, तो लेकिन वो ऐप रूटिंग पर चलती है। तो उसका नाम है स्मूथ क्लिकर। जब आप इस ऐप को खोलेंगे तो आपको ये कुछ ऐसी दिखेगी स्मूथ क्लिकर। आप इसको सीधा डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको जो सेटिंग्स करनी है वो ये है कि आपको सेकंड सेलेक्ट करना है। डिले में आपको यहाँ पर 5, यहाँ पर आपको जो आपका टाइम बिफोर ईच क्लिक होगा वो आपको 1 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंडलेस रिपीट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये बंद कर देना है। उसके बाद आपको फिर से गेट फॉलोअर्स ऐप में आना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्लिक कहाँ पर करवाना है, उसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी। तो उसकी लोकेशन जैसे कि यहाँ पर है, तो मैं इस लोकेशन को याद कर लेता हूँ कि वो यहाँ पर है। अब मैं फिर से दोबारा उस दूसरी ऐप में आऊँगा, और वो लोकेशन, और अब आप ये जो मतलब 3 डॉट्स हैं आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये जो फिंगर वाला बटन है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब वो लोकेशन कुछ यहाँ पर थी, तो मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको बैक बटन प्रेस करना है, और उसके बाद आपको दोबारा इसके ऊपर आना है, और अब आपको यहाँ से प्ले बटन से इसको प्ले कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पूरे 5 सेकंड बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे इस ऐप के पास आने के लिए। अब मैं इस ऐप में आ जाऊँगा, और देखिए ये प्रोसेस खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस खुद ब खुद स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ऐसे निशान बनते हैं, लेकिन यहां पर सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, क्योंकि ये एक बोट है, मतलब ये एक रोबोट है जो कि ये खुद ब खुद क्लिक करवाता है। इसके बाद जब मान लीजिए खत्म हो जाए, तो आपको जल्दी से इस ऐप के पास आना है, क्योंकि आपने एंडलेस रिपीट सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपको जल्दी से यहाँ पर आकर इसको बंद कर देना है, क्योंकि ये हमेशा के लिए क्लिक करता रहेगा, क्योंकि हमने एंडलेस रिपीट सेलेक्ट किया हुआ था। तो ये था एक मेथड जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही फास्ट फॉलोअर्स आते हैं।
अब जो दूसरा मेथड है, मान लीजिए आपको ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, आप ये नहीं करना चाहते, तो मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ, लेकिन उसमें आपको फॉलोअर्स बहुत ही स्लो आते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पर आना है। इंस्टाग्राम पर आते ही आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल सर्च करनी पड़ेगी जिसका नाम है त्रिपचोनी। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, आपको ये जो प्रोफाइल खुलेगी, आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको ये जो बंदा है, आपको उसको फॉलो करना है। जैसे ही आप इसको फॉलो करेंगे, आपको ये जो जिनको फॉलो करना है, आपको इनको भी फॉलो करना है। तो आप देखते रहिएगा कि मेरे, अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। मेरे हैं 2454 फॉलोअर्स हैं। तो अभी मैं इन सबको फॉलो करता हूँ और फिर देखते हैं कितने फॉलोअर्स आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास 2460 फॉलोअर्स हो चुके हैं। और अगर मैं इनको रिफ्रेश करता रहूँगा तो देखते रहिए, ये बढ़ भी रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि मतलब मैंने इन लोगों को फॉलो किया है, ये जो 80 लोग हैं, अगर आप इनको एक घंटा फॉलो करते हैं और उसके बाद अगर आप इनको अनफॉलो करते हैं, तो होता क्या है कि आपको हर घंटे में 10 से 30 के बीच में फॉलोअर्स आते रहते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बोला कि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसमें आपको फॉलोअर्स आते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो त्रिपचोनी जो ये प्रोफाइल थी, आपको इसके जो 80 लोग हैं, आपको इनको फॉलो करना है। एक घंटा आपको इनको फॉलो करना है और उसके बाद एक घंटे के बाद आपको इनको अनफॉलो करना है, और उसके बाद आपको फिर से आपको एक घंटा फॉलो करना है। मतलब आप हर घंटे इनको फॉलो कीजिए और आपको हर घंटे में 10 से 30 के बीच में फॉलोअर्स आते रहेंगे। अब अगर मान लीजिए आपको ये फॉलो करने, अगर मान लीजिए फॉलो करना तो आसान होता है कि हम बटन दबाते रहिए और फॉलो करते रहिए, लेकिन अनफॉलो करने का काम जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको थोड़ी, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताता हूँ जो मतलब ये सारा काम खुद करेगी, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, और ये ऐप रूटिंग पर भी नहीं चलती है। तो इसका नाम है फॉलोअर्स असिस्टेंट। तो आप जब आप इसके इसमें आएंगे तो आपको यहाँ पर ऐड प्रोफाइल में जाना पड़ेगा और आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप चेकलिस्ट पर क्लिक करेंगे, ये सारी ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आप वहाँ से आप इनको सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप चेकलिस्ट पर क्लिक करेंगे, ये आपको सब कुछ बता देगा कि आप कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको ये सब कुछ बता देगा। तो जैसे मैंने अभी जो रिसेंटली 80 लोगों को फॉलो किया है, तो वो सारे यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये लोग हमें कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर सारे वो आएंगे जो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप सीधा क्या करेंगे, आप अनफॉलो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से आपको 80 सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने 80 लोगों को फॉलो किया, और सीधा इस अनफॉलो के बटन पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे 80 लोग जो हैं वो अनफॉलो हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा है कि मैंने 80 लोगों को अनफॉलो किया है। तो आप क्या करिए, आप अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अपने अकाउंट पर जाइए, और अगर आप देखेंगे तो जो मतलब मैंने 80 लोग ये फॉलो किए थे, ये खुद ब खुद सारे अनफॉलो हो चुके होंगे। देखिए सारे अनफॉलो हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही मतलब हाउ टू गेट फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, यही वो तरीका है। तो आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।